नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। शिल्पा शेट्टी 14 साल बाद फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं, कर चुकी हैं ऐसा कह सकते हैं। प्रियदर्शन डायरेक्टेड फिल्म हंगामा 2 से इस फिल्म में शिल्पा के साथ जावेद जाफरी के बेटे मिजान, परेश रावल और प्रणीता सुभाष जैसे एक्टर्स हैं। हालांकि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि शिल्पा की फिल्म की रिलीज से 4 दिन पहले ही उनके पति राज कुंद्रा को पॉर्नोग्राफी रैकेट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई को शिल्पा की फिल्म रिलीज होनी थी और राज को पुलिस हिरासत से मुक्ति मिलनी थी, मगर कोर्ट ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक के लिए दोबारा पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब तक इस पूरे मामले पर चुप रहने वाली शिल्पा शेट्टी ने 23 जुलाई की शाम एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनके निजी जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उससे फिल्म पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिल्म कई लोगों की मेहनत का नतीजा है। अंग्रेजी में लिखे शिल्पा के उस ट्वीट का हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाती हूँ। मैं योगा से मिली सीख में यकीन रखती हूँ और उसे अमल में लाती हूँ। जीवन अगर कहीं है तो इसी पल में है। हंगामा 2 को एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम ने अथक मेहनत की है और चाहे जो भी हो फिल्म को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस फिल्म को बनाने में शामिल हर एक व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए आप अपनी फैमिली के साथ हंगामा 2 देखें। शुक्रिया, आपके आभारी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। राज कुंद्रा के खबरों में आने के बाद शिल्पा ने पहली बार कोई ट्वीट किया, वो इसलिए क्योंकि 23 जुलाई की शाम 7:30 बजे उनकी फिल्म हंगामा 2 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इस फिल्म को देखने के लिए आपके पास हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। शिल्पा शेट्टी आखिरी बार 2007 में आई फिल्म अपने में फुल फ्लेज्ड रोल में नजर आई थी। उसके बाद से उन्होंने किसी फिल्म में लीड रोल नहीं किया, हालांकि इस बीच वो दोस्ताना और ढिशकियाओं जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। गेस्ट रोल्स उन्होंने उसमें किए हैं। ढिशकियाओं से शिल्पा शेट्टी बतौर प्रोड्यूसर जुड़ी थी। अब 14 साल बाद वो फिर से लीडिंग लेडी के तौर पर फिल्म हंगामा 2 में दिखाई देने वाली हैं। शिल्पा शेट्टी ने 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी। इस शादी से उन्हें बेटा वियान और बिटिया समीशा है। 19 जुलाई 2021 को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पॉर्नोग्राफिक वीडियो बनाने और उसे फैलाने के मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम सोनाली है, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।